Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, test to finish ho chuka hai. मैं अपने नए दोस्तों को बताना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक हमने 132 वीडियो से ज़्यादा डाल दिया है इंग्लिश के, और अगर आप शुरू से स्टार्ट से अगर शुरू से आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से ज़ीरो से शुरू कीजिए, जहाँ पर बेसिक की वीडियोज़ डाले गए हैं बहुत सारे, फिर एडवांस कोर्स में, अभी एडवांस कोर्स चल रहा है जिसमें टेंस ख़त्म हो चुका है, टेंस हमने पढ़ा चुका है, अब हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, एडवांस में काफ़ी कुछ आती हैं तो उसमें वो सब सारी चीज़ें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कितना कितनी कितने के बारे में सुना होगा, आप जानते भी होंगे इसका इंग्लिश क्या होता है, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, बट इसका इस्तेमाल हम कुछ अलग तरीके से करते हैं कितना कितने के लिए, जैसे कभी हम हाउ मैनी का करते हैं, कभी हाउ मच का करते हैं, कभी सिर्फ हाउ हाउ का भी करते हैं कितना कितने के लिए। तो कब, कहाँ और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ का इस्तेमाल करते हैं कितना कितने के लिए, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आज क्लास शुरू करने से पहले, आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम ये वीडियो देखते हैं, कन्वर्सेशनल वीडियो जो हर वीडियो में हम डालते हैं, देखिए। Where did you go on 1st January? I went to Daman for picnic. Wow, did you enjoy? Yes, I enjoyed too much. How many persons were there with you? We were 12. You must have called us too. But I don't have mobile. I have two mobile. Oh, very good. Why don't you have? Yes, why don't you have? My mobile is lost. And actually you told me that you all were about to go to Mumbai, so I didn't think to call you. It's okay. But don't forget to call me next time, okay? Okay. Okay friends, तो चलिए हम आज के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है कितना कितने कितने, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ कितना कितने कितने में हाउ मैनी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाउ मच का कहाँ करते हैं, और सिर्फ हाउ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम कितना कितनी कितने के लिए। काफ़ी सारे लड़के कन्फ्यूज रहते हैं कि मीन्स, जैसे हम मैं सेंटेंस देता हूँ कि वहाँ तुम्हारे पास कितनी पेन है, कितने पेन हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ उनको, पूछता हूँ तुम्हारे पास कितने पेन है, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो वो बताते हैं हाउ मैनी हैव यू पेन। काफ़ी सारे लड़के, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समझ चुके हैं वो अच्छी तरह से बना लेते हैं, बट जो नहीं समझे हैं वो हाउ मैनी के बाद डायरेक्ट हा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मतलब उनको बताया जाता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, बट इसमें सब्जेक्ट जुड़ा होता है, कितना कितने कितने में सब्जेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए कितना कितने कितने के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो उसके साथ जुड़ा होता है, जिसकी संख्या पूछी जाती है, जिसकी मात्रा पूछी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम सेंटेंसेस लेते हैं और एक एक करके समझते जाते हैं। तुम्हारी गाय कितनी दूध देती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो तुम्हारी गाय कितनी दूध देती है, अभी जो समझे नहीं है उनको वो कैसे बनाएंगे इसको, कि हाउ मच या मैनी भी लगा देते हैं कभी कभी, तो हाउ मच डू योर काउ मिल्क गिव, ऐसा उल्टा सीधा लिख देते हैं, मतलब हाउ मच के लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, बट हाउ मच और हाउ मैनी के बाद जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क पहले तो लिखेंगे, हाउ मच, बस इतना समझ लेना फ्रेंड्स कि कितना कितनी कितने, जिस सेंटेंस में भी कितना कितनी कितने आता है तो उसके साथ जो जुड़ा होता है उसका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी या जिसकी नंबर्स हम पूछ रहे हैं, वो जो जुड़ा होता है उसको साथ में लिखना है हमेशा। तो कितना, तो कितनी दूध, तो दूध जुड़ा हुआ है कितनी के साथ, तो दूध हम पहले लिखेंगे, हाउ मच मिल्क डस योर काउ गिव, ठीक है।
अभी कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने सारे वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितना कितनी, यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स जिसके हम गिनती करते हैं, जिसके हम गिनती करते हैं वो नंबर्स हो गया। और जब भी नंबर्स की हम बात करते हैं, गिनने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हाउ मेनी, तो कितने लड़के, कितने के साथ लड़के जुड़ा हुआ है, मीन्स लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, लड़कों की नंबर्स पूछी जा रही है, इसके लिए हाउ मेनी बॉयज पहले लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज, फिर उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो डालेंगे, इसमें कंटिन्यूअस है इसलिए आर लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन दिस स्कूल, हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में कितने लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाउ मेनी का इस्तेमाल किया और बॉयज को साथ में लिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना समझ जाना कि कितना कितनी कितने के जस्ट बाद जो नंबर्स या क्वांटिटी पूछी जा रही है जिसकी, उसको हम साथ में लिखते हैं, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है, तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है, तो प्यार को हम कोई माप तोल नहीं सकते हैं, इसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ मच लव, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू यू हैव फॉर मी, हाउ मच लव डू यू हैव फॉर मी। तो अभी ये जो लास्ट सेंटेंस है, कितने लोग पार्टी में मौजूद थे, कितने लोग हम पहले लिखेंगे, हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया सिंपल यूज ऑफ द हाउ मेनी और हाउ मच का हो गया, जो आप पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और आप समझ भी चुके होंगे शायद, लेकिन ये टेंस के साथ हमने बनाया है ज़्यादातर। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कितना कितनी कितने के लिए हम इस्तेमाल कब कहाँ कैसे क्या करते हैं। अब हम इसके बाद जो बताने वाले हैं उसमें थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। तो हम अभी वैसे सेंटेंसेस को जानेंगे जिसमें हम कितना कितनी के लिए सिर्फ हाउ का इस्तेमाल करते हैं, न कि हाउ मैनी और हाउ मच का, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि वो कितना, जैसे हम अगर पूछेंगे कि यहाँ से मुंबई कितना दूर है, कितनी दूर है मुंबई, तो दूरी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई क्वांटिटी या नंबर। हाउ टॉल इज दिस बॉय, ठीक है, यह लड़का कितना लंबा है, तो हाउ टॉल इज दिस बॉय, वह मकान कितना पुराना है, तो हाउ ओल्ड, कितना पुराना साथ में लिखेंगे, तो हाउ ओल्ड इज दैट हाउस, तुम कितने बहादुर हो, तो हाउ ब्रेव आर यू, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कितना कितने कितने के लिए सिर्फ हाउ का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए, जहाँ पर ना तो नंबर की बात होती है ना क्वांटिटी की बात होती है कि कितना है और कितने नंबर्स हैं उसके। जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना पुराना है, कितना बहादुर है, ये सब ना तो नंबर्स में आते हैं और ना तो क्वांटिटी में आते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम कितना कितने के लिए ऐसे सेंटेंसेज में कितना कितने के लिए हम हाउ, सिर्फ हाउ का इस्तेमाल करते हैं, न कि हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मतलब जैसे दूरी की मैंने बात की, कितना दूरी, जैसे तुम्हारा भाई कितना मोटा है, तुम्हारा भाई कितना मोटा है, हम पूछ रहे हैं कि कितना मोटा है, हम बता नहीं रहे कि कितना मोटा है, वो तो आश्चर्य वाली बात हो जाएगी, फिर उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन पूछ रहे हैं कि कितना मोटा है, कितना मोटा है, तो हाउ फैट इज योर ब्रदर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम कितना कितने के लिए अलग अलग तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट क्या था, हाउ मेनी, जो हम किसी भी नंबर्स के लिए जब हम गिनती की बात करते हैं तो वहाँ पर हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हाउ मच, जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम
क्वांटिटी यानी वहाँ पे गिन नहीं सकते हम, गिन सकते भी होंगे लेकिन गिनने का हम काम नहीं करते, गिनते नहीं है। जैसे चावल गेहूँ, चावल हम गिन सकते हैं एक एक करके, इतना लेके गेहूँ लेके गिन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम गिनने का काम नहीं करते हैं। हम खरीदते या बेचते हैं तो गिन कर, या खरीदते नहीं या तो बेचते नहीं, वहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर हाउ मच लगाते हैं। मीन्स वैसी चीज़ें जहाँ पर हम गिनती ना करते हो, उसकी गिनती ना करते हो, वहाँ पर हम हाउ मच लगाएंगे, और जहाँ पर गिनती करते हैं, गिनती करके बताते हैं, वहाँ पर हाउ में नहीं लगाएंगे। और जहाँ पर हम दोनों चीज़ें ना करते हो, कुछ और तरीके से बताते हो, तो वहाँ पर कितना कितने के लिए सिर्फ हाउ लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके फायदे का है, आपके काम का है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।